नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी 24। मैं धर्मशिला आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झरिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने झारखंड सरकार से शहर में बढ़ते संक्रमण को लेकर मांग किया था कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लॉकडाउन फिर से लगाया जाए, जिस पर सहमति भी बनी। झरिया चैम्बर्स कॉमर्स के सदस्यों ने झरिया बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के चलते यह कदम उठाया गया है, जिस पर दुकानदार, सब्जी विक्रेता, कपड़ा व्यवसाय अपनी स्वेच्छा से व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद किया जाए। झरिया में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, फिर भी लोग बेखौफ सड़क पर घूमते देखे गए। भाजपा नेता संजू वर्मा ने कहा कि मजबूरन झरिया के लोग सड़क पर उतर रहे, शराब की दुकान भी बंद होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोग नियम का पालन कर रहे हैं तो कुछ लोग अनदेखी कर रहे हैं। शराब की दुकान पर संक्रमण नहीं बढ़ेगा, लॉकडाउन लगाए तो पूर्ण रूप से लगाए। सबसे पहले तो पूछना होगा, 5 बजे तक आप सारी दुकान को बंद करवा रहे हैं, तो क्या इसमें 5 बजे के बाद दारू दुकान बंद नहीं होना चाहिए? सबसे पहले क्या दारू दुकान में कोरोना नहीं जाएगा? वहाँ फोन जाएगा, फोन नहीं जाएगा, उसका सिक्योरिटी वो लेते हैं, कोरोना नहीं। और जो आठ दुकानदार है उसमें कोरोना जाएगा, उसमें कोरोना नहीं जाएगा। रेस्टोरेंट खुला हुआ है, केक दुकान खुला हुआ, इस पर जब 5 बजे बाद अगर बंद ही करना है, सारे दुकान एक साथ बोला जाए, किसी का भेदभाव नहीं किया जाए, ये दो नीतियों को नहीं होना चाहिए कि आप एक तरफ अपना टैक्स के लिए मैंने दारू दुकान खुला कर रखे हुए हैं और दूसरी तरफ और आम जनता गरीब आदमी लोग को 5 बजे बाद बंद करने के लिए बोल रहे हैं। आप जिला प्रशासन क्या मांग? जिला प्रशासन से मेरा यही मांग है कि लॉकडाउन 5 बजे बाद होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मगर सारे दुकान बंद होना चाहिए। ये नहीं, जो जरूरी सामान है, जैसे दूध दुकान हो गया, आपको दवा दुकान हो गया, चलो इससे तो खुला रहना चाहिए। बाद में जो और भी दुकान है, 5 बजे संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए। क्या नाम है आपका, परिचय? मेरा नाम संजय वर्मा है, भाजपा नेता। कोरोना से लगातार कहीं ना कहीं अपना धनबाद जिला भी अछूता था, और अब जो ऐसे कोरोना प्रकोप लगातार दस्तक देती है, घर घर दरवाजे तक पहुंच चुकी है, कई सारी मौतें भी हो रही है कोरोना से लगातार, उसको देखते हुए आप व्यापारी संघ के लोगों में, आप चैम्बर्स कॉमर्स के सदस्य हैं, उसको लेकर के व्यापारी संघ के लोगों में और झरिया वासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? झरिया वासियों से कड़वत प्रार्थना होगा कि इस कोरोना काल में घर से जरूरत पड़ने आवश्यकता के लिए ही बाहर निकले, जरूरत पड़ने पर ही निकले, नहीं तो अपने घर में ही रहे। और जो आवश्यक के लिए आप निकल रहे हैं बाजार में, तो जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार के द्वारा, उसका आप पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें, और अगर हो सके तो ग्लव्स भी पहने। हालांकि ये दुकानदारों के लिए आवश्यक हो गया है ग्लव्स पहनना भी, तो दुकानदारों से भी अपील होगी कि कई दुकानदारों को भी देखा गया है कि वो बिना मास्क और बिना जो है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन के द्वारा नॉर्म्स दिशा निर्देश भी दिया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर एनी टाइम जो है कपड़ा व्यवसायी जो दुकानदार है वो पहन के रहेंगे, लेकिन वह लोगों में आज बाजार में कहीं नहीं देखने को मिला। नहीं, हम संबंध में क्या कहेंगे? हम लोग का इसके लिए जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, लगातार चला रहे हैं। जिनके पास मास्क नहीं है उसको मास्क भी दे रहे हैं, और सभी लोगों को अपील कर रहे हैं कि मास्क तो लगा के ही रखिए। मास्क लोग रखते हैं। कैबिनेट